भाई का सिंगल ले, भाभी का सिंगल ले। सर सामने आ सर, यहाँ आ सर जी, यहाँ पे देखिए प्लीज। सर सामने आ प्रवीण। एक मिनट ये पता नहीं।
सर अब क्या कहना चाहेंगे बीइंग ऑन या मैं वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू वेरी एक्साइटेड अबाउट द मूवी एंड होप यू डू द बेस्ट क्या बात है जोरदार तालियां हो जाए जब न्यू रिलीजेस हियर विद द डायरेक्टर हियर विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक होप द फिल्म्स डू ग्रेट एंड थैंक यू सो मच प्लीज एंड नाउ थैंक यू वेल द मेन स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म वकील मेहरा जोरदार तालियां हो जाए वरुण मेहरा Let's have Tarun Bajaj and हम बुलाना चाहते हैं उन्हें जिन्हें इंटरव्यूअर्स मालूम है उन्होंने रोल क्या हुआ है ओमकार हमें और हमारी और सबके फेवरेट यस दीपक डोबियाल जोरदार तालियां हो जाए और उनके साथ हम बुलाना चाहेंगे मुकेश तिवारी जी को सो प्लीज कम ऑन स्टेज वी वुड ऑल्सो लाइक टू हैव यू वी बड़ी इज हियर विद अस एंड नाउ वी वुड ऑल्सो लाइक टू कॉल म्यूजिक जोरदार तालियां हो जाए द होल टीम इज ऑन स्टेज सी डी बॉक्स हियर प्लीज Ladies and gentlemen, a huge round of applause for this rocking and the music of Chal Bhag for this unveiling. The unveiling ceremony is on here. Now we are actually doing the launch of the music launch of Chal Bhag and all the team together doing it. Can we have music of Chal Bhag? Little rocking music of this fantastic movie Chal Bhag बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है थिएटर्स में हमने प्रोमोस देखे हैं और यहाँ पर है म्यूजिक सीरीज आई थिंक दे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल कम क्लोज चलो फिर रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू प्लीज कम क्लोज बताना मुझे लगता है कि अभी ठीक नहीं होगा और मैं भी पार्ट हूँ यदि फिल्म लोगों को पसंद आती है निश्चित तौर पे मेरा किरदार भी पसंद आएगा इस बार थोड़ा मैंने ब्रेक करने की कोशिश की है कि सबको मैं एसपी टाइप की पर्सनालिटी लगता हूँ तो मैंने बोला इस बार हवलदार प्ले करके देखता हूँ वो फिर मुझे लगता है कि स्टोरी रिवील होगी
निश्चित तौर पे सबने अच्छा काम किया है और सब अपने थिएटर बैकग्राउंड से हैं, सब अपनी मेहनत करके आए हैं और स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि सबको जेल करती है, एक्सपीरियंस लोगों को भी, नए लोगों को भी। नहीं, कोई तैयारी नहीं करी, सिर्फ हम वहीं गए और जो हमारे डायरेक्टर बोलते गए, जो लोकेशन हमसे बोलती गई, उसके हिसाब से हमने रिएक्ट किया है। अभी जस्ट डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के साथ फिल्म कंप्लीट की है और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, अभी साउथ की कर रहा हूँ धनुष के साथ, जो कि अभी चली रही है फिल्म, उसी का शूट करके आया हूँ, तो उस पर मोस्टली कॉन्सेंट्रेट है। और आई एम वेरी होपफुल अबाउट कि डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी की जो फिल्म है, जो कि वर्तमान परिदृश्य पे और बहुत ही कमाल का एक सटायर है, उसमें आप सबको बड़ा मज़ा आएगा। मेरा नाम प्रकाश बलवंत सैनी जी, हाँ ये मेरी फिल्म मैंने डायरेक्ट की है एज ए डायरेक्टर। ये एक्शन कॉमेडी फिल्म है, सब्जेक्ट जो है फिल्म का वो बहुत ही सीरियस है, लेकिन एक कॉमेडी वे में दिखाने की कोशिश की है। इसमें मेन किरदार हैं दीपक डोबरियाल, जो कि आई थिंक पहली बार वो स्क्रीन पर एक मुन्ना सुपारी के करेक्टर के नाम से जाने जाएंगे, तो ये इसमें रोल कर रहे हैं। और एक है तरुण बजाज, जो कि बंटी चोर है एक करेक्टर, वो कर रहे हैं। वरुण मेहरा, जो कि मैक्सिमम शहर से तड़ी पार रहते हैं, एक करेक्टर वो कर रहे हैं। एक लाइन में बात करें तो ये बोल सकते हैं एक्शन कॉमेडी बेस्ड ऑन फेक एनकाउंटर पर है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सब्जेक्ट सीरियस है, उसके कॉमेडी वे में हमने दिखाया है ऑडियंस को, वो ऑडियंस के रिएक्शन देखने के आते हैं जी। नहीं, इंस्पायर्ड नहीं है, ये पूरी तरह से फिक्शन है, मैं आपको बताऊं, इंस्पायर्ड किसी से भी नहीं है। हाँ, जो करेक्टर है उनसे मैं इंस्पायर्ड ज़रूर था, जो छोटे मोटे दिल्ली में जो करेक्टर है, मैंने एक बार दिल्ली गया था जब देखे थे, तो मेरे जो राइटर हैं तरुण बजाज, तो उनको मैंने आके मतलब बताया कि ऐसे ऐसे स्टोरी मैं चाहता हूँ एक, तो हमने मिलकर स्टार्ट की लिखना, करीब 1.5 साल लग गए स्टोरी लिखने में। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट ड्राफ्ट आया हमने पढ़ा और लोगों को भी पढ़वाया, तो सबको अच्छा लगा। फिल्म में सर 4 गाने हैं और इसमें जावेद अली, रितु पाठा, तरन्नुम, साधु सुशील तिवारी, ये सिंगर्स हैं। मेरा नाम संजय पाठक है, मैं एज ए म्यूजिक कंपोजर हूँ फिल्म में, और इसमें मेरा एक ही सॉन्ग है आइटम नंबर, जो समस्या अभी देश में चल रही थी महंगाई की, तो कहीं ना कहीं इस आइटम नंबर में भी दिखाया गया है, बताया गया है कि आज महंगाई में आइटम करने वाली भी महंगी हो गई है, तो उस तरह से जो बहुत पैपी नंबर है, आज के स्टाइल का सॉन्ग है और जिसको तरन्नुम मलिक जी ने गाया हुआ है, और बहुत अच्छे से मेरे जो फ्रेंड हैं, भाई हैं, प्रकाश सैनी जी डायरेक्टर, उन्होंने इसको बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन दिया हुआ है, शुक्रिया। हाय, आई एम वरुण मेहरा। हाय, दिस इज तरुण बजाज। देखिए, मेरा किरदार का नाम है दलेर सिंह, कैरेक्टर बड़ा कमाल का है, तड़ीपार है, आउटकास्ट है, जिस स्टेट में जाता है वहाँ के लोग इसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। किस तरह ये कैरेक्टर जेल में आके मुन्ना सुपारी और बंटी चोर से मिलता है, बस इसी पे पूरी कहानी निर्भर है। बंटी चोर ये हमारे भाई साहब, दिल्ली की स्टोरी है और बंटी चोर का नाम है, कितनी तैयारी की आपने इसके लिए? तैयारियाँ क्या, दिल्ली में भी पहले बड़े हुए हैं, सारी चोरी चकारियाँ देखी हैं, बचपन में भी काफ़ी की हैं, तो है कुछ एक्सपीरियंस बहुत है हमारे पास। एक लाइन में स्टोरी है कि ये एक सीरियस प्लॉट को कैसे कॉमेडी वे में प्रेजेंट किया गया, मतलब कैसे फेक एनकाउंटर्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे इनोसेंस पीपल जो होते हैं वो कैसे उसमें फंस जाते हैं। ये है कि हम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं, हमने भी कारनामे किए हैं, किसी तरह हम जेल में पहुंच गए, तीनों मिल गए, और
उसके बाद ये पूरी कहानी किस तरह एक फेक एनकाउंटर में तब्दील हो जाती है, बस पूरी कहानी इसी पे है। आप स्टार्ट से लेके एंड तक आप हंसते रहेंगे और सोचते रहेंगे अरे भाई ये क्या हो गया। जी हाँ, हीरोइन वैसे और भी हैं पर जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी उतना ही उनके साथ शूट किया गया है। ऐसा नहीं है कि बंटी चोर की भी एक अपनी गर्लफ्रेंड है, मुन्ना सुपारी की भी है, इसी तरह दलेर सिंह की भी है। तो बस गर्ल भाई एंजॉयमेंट तो बहुत हुई, थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज भी थी शूट करने, बट इट्स बिकॉज रियल लोकेशन है, आउटडोर्स में हमें करना था। बट यार सब ने साथ दिया, इवन लोगों ने भी साथ दिया कि अगर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए हमें इतना एरिया चाहिए थोड़ा शूट करने के लिए, तो क्या आप अपना रास्ता थोड़ा सा बदल सकते हैं, तो उन्होंने भी बिल्कुल दिल से हमारा स्वागत किया और हमें शूट करने दिया। हाँ, बंटी चोर के बारे में दुनिया जानती है, एक बहुत बड़े जिसपे हाँ जी नहीं मिला, नहीं कभी मौका नहीं मिलता है। नहीं, एक ऐसी बंटी बंटी नाम नहीं, उसमें वो अलग चीज़ है, वो अंदाजे करते हैं। एक तो सिर्फ करेक्टर का नाम है बंटी चोर, दिल्ली में बंटी शंटी बहुत नाम चलते हैं ना, शंटी बंटी, तो हमने कहा चल बंटी रख देते हैं, ये किसी भी असली कैरेक्टर के नाम से नहीं है। थैंक यू। नाम दीपक, दीपक डोबरियाल। इसमें मैं दिल्ली 6 के एक गून है उसका किरदार प्ले कर रहा हूँ, जो एक उचक्का है जो अपने आप को बहुत ही तुखम समझता है और उसे लगता है कि सारी दुनिया में उसकी चलती है, इसे बहुत ही हवाबाजी में रहता है, इस तरह का कैरेक्टर है और ऐसी हवाबाजी के चक्कर में ऐसी जगह पे जाके फंसता है जैसे इसको जान के लाले पड़ जाते हैं। तो ये एक फेक एनकाउंटर पर बेस्ड एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें तीन अलग अलग किस्म के चोर उचक्के एक साथ फंसते हैं और कैसे उनकी जो जर्नी है, जो जान है, वो एक बन जाती है। जी जी जी, बहुत इन्जॉय किया और दिल्ली में जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि खाने पीने की जगह बहुत अच्छी थी वहाँ पे, दिल्ली 6 की दरीबे की जलेबी और दिल्ली 6 के दरीबे की जलेबी और बेडमी आलू वगैरह बहुत खाए हमने। तो शूटिंग की जगह भी काफ़ी फेमिलियर थी और मैं दिल्ली से ही हूँ, मैंने थिएटर किया वहाँ पे 7 साल, तो उन जगहों पे आना जाना था, तो अब सिर्फ शूटिंग के बहाने ही जा पाते हैं वहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया वहाँ। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जितने भी ये हमारे सीनियर्स हैं, मुकेश जी, यशपाल जी, जाकिर भाई, मैं बच्चा था जब थिएटर मैंने ज्वाइन किया था तो इनके प्लेस देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो इनका इन सबका काम और साथ में काम करने का सौभाग्य है हमारा और इतना फ्रेंडली नेचर है सबका, इतने प्यारे लोग हैं क्या बताऊँ। तो कई बार तो लगता है कि हम भी सीनियर होते थे, इनके साथ रहते, तो इतना बढ़िया, इतना अच्छा नेचर है इन सबका और गॉड ब्लेस। Wow. Hey, Manojwa. Hey, boy, niche mein. So we have the three reeds akas on stage with us. With the Chal Thar CD. Wow, that's fantastic. Hey, bhaiya, niche hai, niche. Wow, thank you so much. We would start with one-on-one interviews now. फेक एनकाउंटर पे बेस्ड एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें तीन अलग अलग किस्म के चोर उचक्के जो हैं वो आपस में इत्तेफाक से जेल में मिलते हैं, जो तीनों की जर्नी जो है वो एक ही हो जाती है और तीनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है ढंग से, तो लेकिन हालात कुछ ऐसे होते हैं कि ये पुलिस के एक एनकाउंटर का शिकार होते हैं जिसमें इन्हें ही नहीं मालूम कि ये कहाँ फंसे और इनकी लाइफ कैसे एक हो जाती है और कैसे ये तीनों एक बन जाते हैं। वैसे तो हर एक स्टोरी आजकल जितनी भी फिल्में बनती जा रही है, हर एक स्टोरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से रियल स्टोरीज पे इंस्पायर्ड होती है, इंस्पिरेशन कहीं से ली जाती है, तो आपकी इंस्पिरेशन इस फिल्म के ऊपर क्या थी? मेरी इंस्पिरेशन जो थी बेसिकली ये स्टोरी पे हम काम कर रहे थे करीब 2 साल से, तो एक बार मैं दिल्ली गया था तो मैंने वहाँ कुछ ऐसे करेक्टर्स देखे जो छोटे मोटे मतलब काम करते हैं, कोई चाइनीज स्नेचिंग ये,
और एक न्यूज पढ़ी थी मैंने फेक एनकाउंटर के ऊपर, तो जो फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि एक सीरियस सब्जेक्ट को अगर कॉमेडी में हम पेश करते हैं तो कैसा फील होता है। पहले स्टोरी लिखी, फिर उसको पढ़ा तो सबको अच्छी लगी, फिर सोचा कि इस पर फिल्म बनाई जाए। फिर एक प्रोड्यूसर की तलाश थी, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं मोहम्मद भाई, तो उनसे एक बार मिला, उनको स्टोरी सुनाई, तो उनको बहुत पसंद आई स्टोरी। फिर उन्होंने बोल दिया मुझे कि फिल्म बनाओ। तो फिर इसके लिए परफेक्ट कास्टिंग की ज़रूरत थी, जो हर फिल्म के लिए होती है। तो मेरे माइंड में सिर्फ दीपक ही था जो मेन जो करेक्टर है अपना, मेन प्रोटोगनिस्ट जो कर सकता था। तो फिर दीपक से मैंने बात की, दीपक को नरेशन दिया, तो फर्स्ट टाइम दीपक ने बोला ओके अच्छा है। फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा सा दीपक और भी कामों में बिजी थे, फिर इनकी डेट्स के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए। फिर फिल्म स्टार्ट हुई तो सबने मतलब एक टीम बन के पूरा काम इस तरह से अच्छा किया कि जो फिल्म का रिजल्ट निकल गया है तो काफ़ी अच्छा है, सभी खुश हैं। दीपक जी, अगर आपकी बात की जाए तो ये आप कभी एक कैरेक्टर में एसेंशियल नहीं रहते, आपने अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स को प्ले किए हैं और उसी जगह पे लोगों को काफ़ी हंसाया भी है आपने, तो ये फिल्म कितनी अलग थी आपके बाकी कैरेक्टर्स को? देखिए, मैं कोई काम ऐसा करता ही नहीं हूँ या ऐसा सिलेक्ट ही नहीं करता जो मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, चाहे वो एक मिनट दो, मैं कोई भी काम ऐसा करता नहीं हूँ जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, चाहे वो प्लेज हों चाहे वो फिल्म्स हों, मुझे कुछ नयापन चाहिए। और ये जो कैरेक्टर है ये दिल्ली पे बेस्ड था, इस तरह के मेरे काफ़ी दोस्त हैं दिल्ली 6 के बहुत सारे जो इस लहजे में बात करते थे, तो उन्हीं के बीच में मैं पला बड़ा हूँ और उस तरह का रोल करने को मिला। और एक अलग कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर आपने पहले करते हुए नहीं देखा होगा मुझे, तो वही है कि हर किरदार मेरे लिए नया होता है, एक नई दुनिया होती है, तो ये भी एक वही किरदार है। लास्टली डायरेक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए, हर एक फिल्म को पड़ती है ज़रूरत एक ही चीज़ की, वो है प्रमोशन। तो इस फिल्म की प्रमोशन किस तरह से और किस तौर पर होने वाली है? इस फिल्म की प्रमोशन का जो प्लान बनाया है, जो हमारे PR हैं विजय ग्रोवर, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है इसका प्रमोशन। और मतलब अलग अलग तरीके से उन्होंने प्लान किया, जैसे कि फिल्म का नाम है चल भाग, तो फेक इनकाउंटर, तो उस पर उनकी है कुछ स्ट्रेटजी जिस पर वो काम कर रहे हैं, जो अभी स्टार्ट हो जाएगा कल से। थैंक यू। कहा जाए कि एक थ्रिलर भी है, कॉमेडी भी है, थोड़ा सस्पेंस भी है, मतलब एक हर तरीके का मनोरंजन है फिल्म में और काफ़ी चीज़ें घटित होती हैं इस फिल्म में। तो इसको कोई फ्लेवर या फ्लेवर देने की कॉमेडी फिल्म है या ऐसी है, सो अपने आप में एक अपना रंग लिए हुए एक फिल्म है। सर, आपके किरदार के बारे में यदि उसको बहुत यदि संजीदगी से आपको बताने की कोशिश करूँ तो वो एक सपोर्टिंग किरदार है, एक बहुत ही रियल किरदार है, रियल, जैसे दिल्ली की पुलिस जो होती है और जो उनका अपना रंग होता है, जिस तरीके से वो ज़िंदगी को लेते हैं, जिस तरीके से वो अपनी ड्यूटी को लेते हैं और जो जद्दोजहद है उसकी, तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का किरदार है। खूब मज़े किया? मज़े नहीं लोगे आप तो फिर आप काम कैसे कर पाओगे? यदि आप अपने काम को एंजॉय करते हो तो निश्चित तौर पर दर्शक भी फिर एंजॉय करते हैं। निश्चित तौर पर लगभग सभी लोग परिचित ही हैं, वो साथ में हैं, दीपक डोबरियाल के साथ भी पहले काम किया हुआ है, ही इज़ वेरी गुड एक्टर। कुछ लोग नए हैं, नए चेहरे हैं, लेकिन नए चेहरे कहने के लिए नए हैं और जिस तरीके से उनका काम है, जिस तरीके से उन्होंने पेश किया आपने देखा ही है और जिस तरीके से निर्देशन है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर लोगों को ये फिल्म पसंद आई। म्यूज़िक आपने सुना और म्यूज़िक काफ़ी कैची है और काफ़ी हैपनिंग म्यूज़िक है, जैसे टाइटल ट्रैक भी है और बाबूजी जो ट्रैक है वो भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि लोगों के कानों तक यदि पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर दिमाग पे चढ़ के बोलेगा। सर, इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ की है? मैंने जो शूट किया है कि मोस्टली दिल्ली में ही शूट किया है इसका, और जो भी पार्ट बचे होंगे बॉम्बे में सॉन्ग्स किए होंगे या जहाँ, तो बेटर है कि डायरेक्टर आपको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। थैंक यू। ये टाइटल ऐसे लिया है कि मूवी में तीन ऐसे बंदे हैं जो इत्तेफाक से मिलते हैं और वहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है और जिस हिसाब से वो फंस जाते हैं एक कंट्रोवर्सी में और उस वो कंट्रोवर्सी से भागते रहते हैं, इसलिए पिक्चर चल।
भाग की टाइटल फिल्म की कहानी ऐसी है एज आई टोल्ड यू कि तीन बंदे हैं जो इत्तेफाक से जेल में मिलते हैं और वहीं से उनकी कहानी शुरू होती है और कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं और फिर वो वहाँ से गैंगस्टर्स से बचते हुए पुलिस से भागते हुए ये पूरी कहानी को लेके जाते हैं। स्टार कास्ट की बात कीजिए, स्टार कास्ट कैसे स्टार कास्ट तो सारे बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं कहूँ दीपक डोबरियाल इज़ द फाइनेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। आपने देखा होगा उनकी मूवी तनु एंड मनु, बस वहाँ से हमने सोचा था कि विल स्टार्स विल लॉन्च म्यूज़िक सब है इसमें। यहाँ पे एक हमारी मूवी में जैसे वी हैव आइटम सॉन्ग, वी हैव लव सॉन्ग, वी हैव कॉमेडी सॉन्ग, वी हैव एवरीथिंग ऑल मसाला इन दिस मूवी इन रिगार्ड्स टू सॉन्ग्स। और इसकी शूटिंग कहाँ पर है? इसकी शूटिंग हमने दिल्ली में किया, बॉम्बे में किया पार्शियल। थैंक यू सो मच। सर चंदा की कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी एक्शन थ्रिलर है, सारा मिक्स मसाला इसके अंदर है। इसमें आपको रोमांस भी मिलेगा, आपको एक्शन भी मिलेगा, आपको कॉमेडी भी मिलेगी और थोड़ा सा सस्पेंस भी मिलेगा। अगर इसकी मूवी के बारे में बात की जाए, कहानी किस तरह की है, किस तरह कहानी किस तरह की है इसकी? कहानी देखिए, इसकी कहानी है कि तीन क्रिमिनल्स होते हैं, एक चोर होता है, एक सुपारी लेने वाला होता है और एक तड़ीपार होता है। किस तरह ये तीनों अपने छोटे मोटे कारनामे करके जेल में पहुंचते हैं, जेल में पहुंचने के बाद किस तरह तीनों मिलते हैं और उसके बाद ये तीनों किस तरह जेल में मिलते हैं और किस तरह इनकी दोस्ती हो जाती है भागते भागते। बिकॉज ये पूरा जैसे ही ये तीनों जेल में आके मिलते हैं तो यहाँ पर एक चीज जो फेक एनकाउंटर का प्लॉट है यहाँ से तब्दील हो जाती है। पुलिस जो है उन्हें अपने गुंडे नहीं उड़ाने होते क्योंकि गुंडे से भाई उन्होंने काफ़ी कुछ लिया हुआ है। किस तरह ये जो है जो इनोसेंट पीपल लड़के हैं तीनों के तीनों, ये किस तरह भागते रहते हैं और अपने पुलिस से बचते रहते हैं, गुंडों से बचते रहते हैं, जान बचाते रहते हैं अपनी। इसलिए वही टाइटल भी है कि चल भाग भागते रहो। फिल्म में सर और भी स्टार आते हैं जिनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मुकेश जी बहुत अच्छे इंसान भी हैं, दीपक जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, मतलब कमाल जी यशपाल जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, नए नए अतुल जी अतुल श्रीवास्तव काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं। तो हम लोग न्यू कमर्स के साथ हमको लगता है कि हाँ हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि यार हम लोग को स्पेस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कि हम लोग ओपन हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन दे रियली सपोर्टेड वेरी वेल। कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं फील होने दिया कि भाई वो सीनियर हैं और ये भी नया है, मैं भी नया हूँ, हीरोइन भी नहीं है, उन्होंने कभी कभी भी हमें ऐसा फील होने नहीं दिया। सो बहुत स्मूथली हमने काम किया, सबने मिल के काम किया, बहुत अच्छे से किया। मुझे कैसे मिली भाई? हर एक के जैसे मैंने भी ऑडिशन दिए, मैं बैठा डायरेक्टर जी को, प्रोड्यूसर साहब को, उन्हें मेरा काम पसंद आया तो उन्होंने मुझे कहा भाई 5 मिनट बैठो, मैं बैठा रहा। फिर वो आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने आके मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई, उन्हें मेरा काम पसंद आया क्योंकि उन्हें एक एक्टर ऐसा चाहिए था जिसके सॉफ्ट लुक्स भी हों और वो टफ कैरेक्टर भी प्ले कर सके। तो बस बैठे बैठे फिर उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मुझे पसंद आई, उन्होंने कहा भाई 5 मिनट बैठो, अंदर गए, कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, मैंने साइन किया और आज बस यहाँ हूँ मैं। इस मूवी के अलावा आपका आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में? कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे हाथ में बट अभी मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अभी तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। सर म्यूजिक लॉन्च हुआ है जी, हाँ इस म्यूजिक के बारे में आप? इस म्यूजिक के बारे में भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिक है, हमारे सिंगर्स ने लिरिसिस्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया इस पर। म्यूजिक खैर आपने सुना ही होगा, आप लोगों को भी काफ़ी पसंद ही आया होगा, तो वेरी गुड। सॉरी, अपने ऑडियंस को क्या? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आइए हमारी फिल्म देखिए, चल भाग नाम है उसका, भागते भागते हम कैसे भाग के अपनी जान बचा रहे हैं, आप आके देखिए। दबा के दुम डॉगी, दबा के दुम डॉगी भागे रहे, एग्जैक्टली। बस एक कॉमेडी है, आपको स्टार्ट से लेके एंड तक मज़ा भी आएगा और इसमें एक सीरियसनेस भी है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि एक सीरियस कॉमेडी है, थोड़ी अलग है बाकी सब फिल्मों से। आप ज़रूर आके देखिए और हमें एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए, एग्जैक्टली। सारे गाने बहुत खूबसूरत हैं, फिल्म बहुत अच्छी है, चल भाग 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 बस भागते रहो, बस बार बार अपने घर से भाग के आइए और हमारी फिल्म देखिए। थैंक यू, भागिए स्कूल से, भागिए पर भाग के देखिए। थैंक यू सर, गाना ना।